तो बाइक है अपाचे, उसका एक्सीडेंट हुआ था तो बाइक को ठीक करवाने के लिए शोरूम में भेजा गया था, तो भाई का खर्चा तो मोटा आ गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, ये सारे असेंबली के पार्ट्स हैं और टोटल बना है 36,703। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द थर्स्टी वाइफ, दिस इज अंकुश। तो आज हम ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। आज का ब्लॉग रिगार्डिंग में रहेगा कि एक बाइक की रिकवरी करनी है शोरूम से। तो बाइक है अपाचे, उसका एक्सीडेंट हुआ था, अपने यार दोस्त की है, अपने फ्रेंड की है, खास बंदा ही है, उसका एक्सीडेंट हुआ था 3-4 महीने पहले। तो उसकी बाइक टोटल डैमेज हो गई थी, तो बाइक को ठीक करवाने के लिए शोरूम में भेजा गया था, तो भाई का खर्चा तो मोटा आ गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, वो भाई की पता नहीं इंश्योरेंस में ना थोड़ी सी डिले हो गई थी इंश्योरेंस रिन्यू करवाने में, तो उस चक्कर में भाई को ज़्यादा फटका लग गया है। मैंने उसको कहा भाई अगली बार ध्यान रखना। तो फिलहाल बाइक तो भाई ने कहा है कि भाई आप लोग बाइक चला के देख लेना और बाइक की कंडीशन कैसी है वो देख लेना, और उसके बाद पेमेंट करना बाकी जो रहती है। वो आधी पेमेंट जो है वो दे चुके हैं, लेकिन आधी पेमेंट तभी देंगे कि उसको चला के देखेंगे भाई लाइन वेंट वगैरह ठीक हुई है, पार्ट्स वगैरह अच्छे से लगे हैं या पुराने लगे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन एक बार बाइक हम गो थ्रू करेंगे, उसको चला के भी देखेंगे उसके बाद ही। तो फिलहाल चलते हैं शोरूम की तरफ। मेरे साथ आज आया है मोतू। मैंने कहा कि भाई वो भाई के अपने पापा गए हैं तो उनको बाइक चलाने आती नहीं है, तो मैंने मोतू को बोला कि तू चल बाइक को ले आते हैं, और एक बाइक अपनी जा रही है। फिलहाल देखते हैं क्या सीन बनता है। मोतू चला चलू के देखेंगे, ऐसे पैसे नहीं देंगे भाई, 25,000 बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल चलते हैं शोरूम की तरफ और देखते हैं बाइक का क्या सीन, कि बाइक ठीक हुई है या नहीं हुई है, उसमें क्या कमी है। अगर ठीक होगी तो ले आएंगे, कमियाँ होंगी तो भाई उनको बताएंगे कि इसको अच्छे से रिपेयर करो, तब हम लेके जाएंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी ज्वाली साइड, शोरूम ज्वाली साइड ही है सारे, अपना हीरो बजाज टीवीएस का। तो टीवीएस में पड़ी होगी अपनी अपाचे, अपने फ्रेंड की, तो देखते हैं क्या सीन बनता है उसका, चला के देखेंगे भाई, ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि 25,000 बहुत ज़्यादा होता है, क्या बोलता है। और बाइक ठीक ना हो तो भाई पैसे एक बार दे दोगे ना, उसके बाद मैं नहीं बोलता कि वो क्लेम करते हैं कि बाइक ख़राब है, वो बाद में बोलेंगे आपने कुछ किया ये वो एक्स वाई जेड, तो उस चक्कर में पहले पेमेंट बाद में देंगे, बाइक पहले उठाएंगे, देखते हैं क्या बनता आगे। चल भाई पहुंच गए हैं शोरूम, देखते हैं कहाँ है बाइक अपाचे अपनी, लॉक करते हैं भाई, कोई पता नहीं होता बंदों को छेड़खानी करने का। सो गाइस भाई के पापा आ चुके हैं शोरूम में, हम भी चलते हैं। वो खड़ी है अपाचे, इसकी कंडीशन देखनी है। सो गाइस बाइक बन चुकी है, ठीक है, मीटर मोटर काम करा है ना, चला के देखनी पड़ेगी मोतू, तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा देखने से। A few moments later. इधर पीछे अभी तो डैमेज होया है ना, है आ बाटी दी, बाकी अगला हा अगला ही है, ये लगी है ना खरोच, है क्या पे प्रॉब्लम की टायरे हटी है ना, ये त्रिड़े है अच्छा कसा हो जाए ना, दरेड़ गई है ना, तो टायर मेरे हिसाब से नहीं आता, ट्यूब पाना पौनी है या नोवा है ना, ट्यूब ठीक है कहेंगे, टायर हल नोवा ही है। नहीं शायद कोई चक्कर नहीं, पर माड़ी मोटी तो चला ही होनी बाइक, हाँ माड़ी माड़ी तो बबलिंग करनी है ना बिना और। अच्छा ये हाँ टूटे है ना पीछे, अंकल जी पीछे ठीक है सारा, ठीक ठीक है पीछे, अग्गे हाँ अग्गे हाँ अग्गे हाँ पीछे कुछ नहीं होगा। अच्छा टैंकी भी, टैंकी तो नो ही है ना, तो स्टिकर चेड़ देने चिड़ दे कुछ मैं तो चेड़ दें स्टिकर, तो टैंकी दी नो ही पाई नहीं। अच्छा कार्बन जेड़ा कार्बन फाइबर वाला है ना, शील्ड भी है ठीक है, टीवी नोई पी है ना, रिम हो जाते पठानकोट ओ तीसी हल। तो भाई फिलहाल बाइक चलानी गया थी, हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे अपोलो के शोरूम में टायर के, तो फिलहाल टायर में जो था वो कट लगा हुआ था, उसमें ट्यूब डाल के इसको घर तक पहुंचाएंगे, जो ओनर आएगा उसके बाद वो खुद देखेगा कि टायर चेंज करवाने की क्या है, फिलहाल ट्यूब इंस्टॉल करवाते हैं टायर में। ये लगाया कट, तो ट्यूब डलवा ली अपोलो की नहीं, तो देखते हैं फिलहाल बाइक को फिलहाल घर तक पहुँचाएँगे।
और सजेशन यही है कि एक दो महीने के अंदर अंदर टायर जो है वो नया डलवा लिया जाए ताकि सेफ्टी रहे। अब जहाँ क्रैक है वहाँ से अगर कांटा भी लगे, अगर कील भी लग जाए तो वो तुरंत उसकी ट्यूब जो है वो पंचर हो जाएगी और टायर फ्लैट हो जाएगा ऐसे एकदम। तो टायर नया डलवाना ही मेरे हिसाब से वो रहेगा, मैंने तो सजेशन ये दिया अंकल को। चलो बोल लो ना, है ना, टायर जोड़ो, ये चला के देखूंगा मैं, ऐसे नहीं पता चलेगा भाई। दिखा कॉइल होंगी भाई ट्यूब, ठीक है सेट ही हूँ एमरजेंसी तो। लैनमेंट तो चलाई लगना पता, उन्हें नहीं लगता पता है, तेल जानी है बोलेंगे। हाँ कोई नहीं, आ जाएगी 100-200 मीटर। क्लच रुआ है बड़ा, गां कर दिया थोड़ा दिया, नहीं नहीं रुआ है बड़ा, हाँ थोड़ा दिया गां करा ना ये, पता क्या कुन्नी अगर नौ सीखी बंदा बैठा ना तो दे देना गेड़ा, थोड़ा क्लच ना इसका बहुत ही पास में इतना सही है, ताइ तो जंप मारे जल में स्टार्ट किया वो तो मैंने पकड़ लिया, नहीं उड़ जाती अंदर शीशे में ठा करके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाइक 100-200 मीटर जो है वो अपना भी बनता है, सेटिस्फेक्शन करना बाइक का। भाई अलाइनमेंट में दिक्कत तो है, राइट साइड को जा रहा है हल्का सा हैंडल, लेकिन भाई जब एक्सीडेंट होता है ना तो फिर 100% उसकी जो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन वो नहीं हो पाती, बंदा बोले कि 100% ठीक हो जाए बाइक, वो भी मेजर इम्पैक्ट के बाद, वो मुश्किल है। ठीक है बाकी ओके है, रेस वगैरह क्लच वगैरह ठीक है, ब्रेक्स भी ठीक है, इंजन भी अच्छी साउंड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, ठीक है फिर ओके है। अब क्या कहना है, अलाइनमेंट का बताऊंगा भाई को मैं पठानकोट में कहाँ ठीक होती है, क्योंकि अगर एजेंसी की तरफ से करवाएंगे तो और ज़्यादा पैसे लगेंगे शोरूम की तरफ से, तो खुद से बंदा जाके करवा ले वो बढ़िया है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बढ़िया पिकअप पुकअप हाँ जी, कमी पेशी यार थोड़ी लाइनमेंट ही है पर हूँ तो पता, लाइनमेंट है बाकी ओके है, बाकी कोई आवाज़ नहीं कर रही बाइक ठीक है। चलो बिल वगैरह देखते हैं अभी, लटक लॉक सेट ठीक है 1700 प्रीमियम ठीक है, पुराना हो गया ठीक है। अच्छा पुराना सामान हुआ है ना, हाँ भी जड़ा है ऐसा रखी लिया ना, ठीक है ये भाई तेरा टैंकी कवर एक साइड का टैंक कवर है ना, ठीक है जड़ा काला दिया ठीक है ओके। अच्छा ये टूटे है ना, अच्छा लिखा है बिल्कुल लिखा है एक टैंक कवर। A few moments later. So guys, ये है बिल जिसकी कॉपी एज इफ वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है ये सारे असेंबली के पार्ट्स हैं और टोटल बनाया 36,703, 10,000 एडवांस दे दिया अंकल ने तो 26,703 देना है अभी। तो ये है पार्ट, शील्ड वगैरह वो पड़ी हुई है टूटी, बाकी पार्ट ये हैं बाइक के हैंडल बार वगैरह मड गार्ड इसके टी वगैरह, भाई मोटा खर्चा हो गया बाइक का। A few moments later. Guys, बाइक होल्ड पे कर दी है शोरूम में, मैंने चला चलो के देख लिया ओके है, लेकिन होल्ड पे डाल दिए कुछ पेमेंट वगैरह के इशू है तो होल्ड पे रहेगी फिलहाल, हम चलते हैं घर मोतू, तेरे को परेशान किया मैंने, चल बाजी बुजी खाते हैं अभी है ना, लेट्स गो गड्डी लेट्स गो भाई, पेमेंट का प्रॉब्लम है इसलिए मैंने कहा कि बाइक को शोरूम में रहने दो, यहाँ सेफ रहेगी, पेमेंट जब पूरी इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद ले जाएंगे इसको वापस।